इसके अलावा उच्च लग्जरी परियोजना की अधिक महंगी स्थापनाओं में से एक लियोंड का स्टेशन था, जो समकालीन दुनिया में पूरी तरह से संगमरमर से बना पहला और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को 3 प्रमुख सड़कों में विभाजित किया गया। मुख्य सड़क ट्रांस साइबेरियन रोड है, जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। इसके अलावा मॉस्को से उलन बटोर ट्रांस मंगोलियाई रोड इस रेलवे की सबसे लंबी सड़क है। तीसरी सड़क ट्रांस मंगोलियन रोड है, जो मॉस्को को बीजिंग से जोड़ती है। 9288 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे 2 महाद्वीपों को पार करती